वेलकम टू माय चैनल व्यूवर्स शकीला किचन। आज मैं आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी बहुत ही मजे का पोटैटो व्हाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आपको घंटी का बटन नजर आएगा उसको भी यहां से आप प्रेस कर लें। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने लिए तकरीबन एक पाव मैंने लिए हैं, दो मैंने बड़े बड़े इतने साइज के पोटैटो लेके उनको बॉयल कर लिया इस तरह क्यूब्स, मैंने इसको कटिंग कर लिया। ये मेरे पास मिक्रोनी वाली शेप थी तो ये वाला मैंने पास्ता लिया है। तो ये मैंने लिया 1 टीस्पून लहसुन कटा हुआ, 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून मैदा, और ये इसके सिंपल, बहुत सिंपल मसाले हैं। ये मैंने 2 चुटकी नमक लिया क्योंकि नमक मैंने उसमें बॉयल में भी डाला है, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून ओरिगानो, और ये 1/2 टीस्पून क्रश चिल्ली, रेड चिल्ली, ये देखिए चिल्ली फ्लेक्स है। तो 1 कप दूध और कुछ मैंने चीज ली है थोड़ी सी मोज़रेला। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। चलो ये मैंने पैन रख लिया, चूल्हा मैंने ऑन कर लिया। तो ये मेरे पास है 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल ले ले, बटर ले ले, आपका जो दिल करता वो ले ले। तो ये मेरे पास लहसुन है, ये डाल देंगे इसमें। लहसुन मैंने डाल लिया, सिर्फ 1 मिनट तक इसको मैंने सोते करना बस। चलो इसको मैंने कलर नहीं चेंज किया इसका मैंने, तो इसको मैंने सोते कर लिया। तो ये जो मेरे पास मैदा है ये डाल देंगे इसमें। इसको मैं सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए भूनूंगी बस, क्योंकि इसका जो कच्चापन है भूनने से वो खत्म हो जाएगा। चलिए इसे मैंने भून लिया, 1 से 2 मिनट तक मैंने इसे भूना बस। तो अब चूल्हा नीचे से मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया और ये जो दूध है इसमें डाल दूंगी। चलो इसे भी मैं अच्छी तरह पका लेती हूँ 1 से 2 मिनट, जब तक ये सॉस हमारी थिक ना हो जाए तब तक इसे पकाना है। साथ साथ चम्मच चलाते रहे ताकि अंदर गुठलियां ना बने। चलिए ये सॉस हमारी थिक होनी शुरू होगी, देखिए सॉस हमारी थिक होगी ये देखिए। तो साथ ही ये वाले जो मसाले मैंने लिए तो ये डाल देंगे। नमक थोड़ा सा मैं अभी भी इसमें कम डालूंगी क्योंकि मैंने मैक्रोनी पास्ता में भी मैंने नमक डाला हुआ है, बाकी सारे मसाले मैं डाल दूंगी। चलो ये पूरे मैंने मसाले डाल दिए हैं। तो अगर आपके पास, अगर आप ज्यादा इसमें स्पाइस खाना चाह रहे हैं तो एक आध जो ग्रीन चिल्ली होती है वो भी आप इसमें थोड़ी थोड़ी बारीक बारीक काट के वो भी डाल सकते हैं। अगर नहीं पसंद तो चिल्ली फ्लेक्स, अगर ज्यादा स्पाइसी खाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। चलो ये सॉस हमारी थिक होगी तो ये जो मैंने पास्ता लिया है अब ये डाल देंगे। ये बहुत ही ज्यादा बच्चों को पसंद आएगा, आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। चलो इसे मैं मिक्स कर रही थी, ये बहुत ही सिंपल डिश है, आप अपने बच्चों को जरूर बना के दें, आपके बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। चलो ये मैंने 1 मिनट इसे अच्छी तरह पका लिया इसको 1 मिनट के लिए। तो ये जो मेरे पास आलू है अब ये डाल देंगे। तो ये मैं थोड़े से बचाऊंगी, मुझे अभी चाहिए, इसे भी डाल के मैं 1 से 1/2 मिनट के लिए ना इसको मिक्स कर लेती हूँ। चलो इसे भी मैंने मिक्स कर लिया है, ये बहुत ही झटपट बनने वाली पास्ता है पोटैटो आलू ये वाला, जो आप इसी तरह बना के बच्चों को दे, ये बच्चों को बहुत ही ज्यादा, ये देखिए धनिया में जो मैंने लिए हैं ये ऊपर डाल देंगे, थोड़ी सी मैंने बचा ली है। तो इसको अच्छी तरह 1 मिनट के लिए और मैं पकाऊंगी। चलो ये 1 मिनट हो गया, देखिए कितनी झटपट बन गया है। अगर ये किसी रेस्टोरेंट में खाए ना तो ये 500-600 से कम नहीं है ये वाली प्लेट, मैंने खुद खाई हुई है। तो इतनी महंगी ये बाहर से मिलती है तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करके तो आपको भी बताती हूँ कि मैंने इतनी महंगी खाई है। तो आप अपने घर में ही ये इतनी महंगी डिश बनाएं और अपने बच्चों को खुश करें। तो चलिए इसे मैं डिश आउट कर लेती हूँ, चूल्हा मैंने नीचे से बंद कर दिया। ये जो मैंने प्लेट में निकाली, ये जो पोटैटो मैंने लिए हैं
मैंने ऊपर लगा दिए। तो चीज आपने इस टाइम पे डालनी है, ये देखिए खुद ही वो मिक्स हो जाएगी। देखिए ना कितनी मजे की डिश बनी है, आप इसको ट्राई करें। तो आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो आपने मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना है, तो मेरे चैनल को यहाँ से आपने सब्सक्राइब करना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें और बहुत ही सिंपल सिंपल इजी इजी रेसिपी आप तक पहुंच सके। चले मैं आप सबसे इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।